कुलगाम पुलिस की जानिब से मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी। ऐसे में आज भी ज़िले के भी बाग में पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान 106 किलो फुकी जब्त की है। पुलिस जराए के मुताबिक परवेज़ अहमद खान साकिन मुनद कुलगाम के तहवील से फुकी जब्त की गई और NDPS एक्ट के तहत FIR नंबर 72 केस दर्ज किया गया। इस दौरान SHO बीहबाग ने पारीगाम इलाके में जंगली भांग की काश्त को तबाह किया और कई कनाल अराजी पर मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई अंजाम दी गई। हम आपको बताएं कि जिससे अवामी हलकों ने पुलिस की काफ़ी सताइश की। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस एहलकार और SHO बीहबाग की सरबराही में ये स्पेशल ड्राइव जो है ये मुनक़द किया गया। और हम आपको बताएँ कि बीहबाग के मुख्तलिफ इलाकों में पारीगाम व दीगर कई इलाकों में तरह की काश्त जो थी जो वाइल्ड बंग है वो डिस्ट्रॉय की गई। और साथ साथ शुरू में आप सारपुर पर दिख रहा कि किस तरह से पुलिस की एक अहम कार्रवाई और मुख्तलिफ मुकामात पर ये कार्रवाई जो है अंजाम दी गई और ऐसे जो की सरबराही में इस तरह की कार्रवाई जो है मुख्तलिफ मुकामात पर दी गई। हम आपको बताएं कि एक पुलिस की कार्रवाई में इस इलाके में कल शाम से ही पुलिस ने बाज़ाबता तौर पर 106 किलो फुकी जब्त की है। हम आपको बताएं कि परवेज़ अहमद खान साकिन मुनद कुलगाम के तहवील से फुकी जब्त की गई और NDPS एक्ट के तहत 72 FIR नंबर केस दर्ज किया गया। और पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई और ये यहाँ पे आप साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहे हैं कि किस तरह के पुलिस के एहलकार वर्ल्ड बैंक को तबाह करने में लगे हुए हैं और ये कार्रवाई जो है कुलगाम पुलिस की जानिब से बीहबाग इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में अंजाम दी गई और SHO बीहबाग की सरबराही में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई। आप देखते रहे कुलगाम न्यूज़।